कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। क्या हुआ था? उन्हें फीवर आया था कुछ टाइम पहले, सीने में दर्द बता रहे थे। डॉक्टर ने बोला कि इनके मतलब कि पसलियों में मलगम जमा हुआ है। उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत होती है एकदम, ऑक्सीजन लेवल जो घटता चला गया किसी डॉक्टर ने कहा कि कोरोना का भी टेस्ट कराइए कि नहीं? नहीं, किसी ने नहीं। जिस लहर में महानगरों की सुविधाएं भी कम पड़ रही हूँ, उस दौर में गांवों की मजबूरियां डराती, चिंता में डालती। देश की राजधानी दिल्ली से केवल 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हापुड़ के असौड़ा अस्पताल की सूरत तंग करने वाली। मुख्य द्वार पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है 15 बेड का अस्पताल, लेकिन यहां लटका है ताला। अस्पताल की दीवार पर यह सूचना चिपकी हुई, केवल आपातकालीन सेवा के लिए संपर्क करें, लेकिन संपर्क करें तो किससे करें? कोविड की वजह से बंद कर दिया गया। कोविड की वजह से मैं कह सकता हूं कि पिछले जब कोविड में जब सबसे ज्यादा जरूरत है हॉस्पिटल की, तब इसमें ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। मैं सुबह भी आया था, सुबह बताया गया केवल चौकीदार था यहाँ, एक व्यक्ति और था। मैंने कि भैया कहाँ है ये? उन्होंने बताया कि साहब एक डॉक्टर साहब तो रिटायर हो गए हैं और दूसरी मैडम जो डॉक्टर हैं इंचार्ज, वो अभी आई नहीं है। ये हापुड़ में हम ग्राम असौड़ा में इस समय मौजूद हैं, जहाँ की आबादी कुल लगभग 30,000 बताई जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र और यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर ये 15 बेडेड आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं है। दोपहर का समय है, खुलने का ये समय भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की आपदा है उसके बीच लोगों को आवश्यकता होती है और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर पड़ताल करने का प्रयास किया और खिड़कियों से भी जो हम देख रहे हैं 15 बेड्स के नाम पर, हमें 2 बेड मुश्किल से नज़र आए हैं और बाकी सब सिर्फ मलबा ही आप समझ लीजिए जो कि नज़र आ रहा है। अगर कोरोना की दहशत पहले पहुँचती है और वायरस की एंट्री बाद में होती है तो संभलने का मौका मिल जाता है, लेकिन इस इलाके में कोई समझ ही नहीं पाया और गांव में अब तक 30 से 35 लोगों की जान चली गई। हमारे गांव के शमशान है उसमें 6 बना रखे हैं, उसमें 6 की 6 इतनी फुल चलती हैं कि उसकी साइड में लगा के नीचे भी लगाया, फूंकने के लिए नीचे भी रखा है, जगह नहीं पूरी पड़ रही। दूसरी मतलब लाश को ले जा रहे हैं, मतलब वहाँ राख वाख साफ कर रहे हैं, जब जाके मतलब फूंक रहे हैं, इतनी जगह भी नहीं है वहाँ पर। मौतें हो रही है इस संख्या में, करीब 30 से 35 के बीच में मौत हो चुकी है असौड़ में पिछले 15-20 दिन में। अच्छा। जब से ये इलेक्शन वगैरह शुरू हुआ है। और इतनी कम आबादी में सामान्य नहीं है ये सामान्य नहीं है इस आबादी में, क्योंकि एक घर से दो दो तीन तीन की डेथ हुई है। अभी हमारे एक दलित मोहल्ला है, पीर वाला मोहल्ला उसको बोलते हैं, हुकम सिंह नाम के मिस्त्री थे, उनके बेटे की डेथ हुई है। यहाँ चंडी मोहल्ला है, उसमें एक ससुर और उसके पुत्र वधु की डेथ हुई, घर पर ही हुई है, घर पर ही डेथ हुई है। एक दो हॉस्पिटल में गए हैं 2-4 लोग, लेकिन मोस्टली मौतें घर पर ही हुई है। आज देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो ताले पड़े हुए हैं वो सिर्फ एक जगह की आपको हकीकत नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये ताले गांव में फैलते, गांव में पैर पसारते कोरोना की उस आशंका पर एक बहुत बड़ा ताला है, जिसे जल्दी खोलना होगा सरकारों को अगर स्थिति को नियंत्रण में करना है। ऐसे हालात में टेस्टिंग की सुविधा की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे भी हैं जो जागरूक नहीं है, जो जागरूक है, टेस्ट कराना चाहते हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो भी लाचार है। टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पर है उपलब्ध? जी बिल्कुल नहीं है। तो किसी को अगर सिम्टम ऐसा लगता है जी, तो वो टेस्ट कराने जाते हैं या लोग अपना घर में ही उपचार कर रहे हैं? पहले तो जैसे यहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं तो पहले ही लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ जाके बैठा लेंगे तो हमें घर नहीं भेजेंगे, ये करेंगे वो। जो कोशिश करते भी हैं कि टेस्टिंग कराएं, उनको शहर जाना होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो टेस्टिंग सेंटर है या प्राइवेट जो लैब्स हैं उनमें जाके उनको टेस्टिंग करवानी पड़ती है, और टेस्टिंग में आने में टाइम लगता है, इतने गांव में तो फैलते ही है। आपको ये डर है कि हो सकता है गांव में कोरोना फैल रहा हो और किसी को पता ही नहीं? कोरोना फैल रहा है लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही टाइम से। हाँ। टेस्टिंग ना होने के कारण भी लोग जागरूक नहीं है, पता नहीं है,
आमतौर से सब में घुल मिलने, किसी को नहीं मालूम कोरोना है, लेकिन उनको है कोरोना। आमतौर पर मौतों के मामले में सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि मौत कोरोना से नहीं हुई, लेकिन ये आंकड़ा कहीं से भी सामान्य नहीं है। इसीलिए हम उन घरों तक भी पहुंचे जिन्होंने अपनों को खोया था। इस घर ने हफ्ते भर में 2 मौतें देखी। उनके सीने में दर्द था बस। कोविड टेस्ट किया था? हाँ जी, वो पॉजिटिव निकला था तो सरस्वती में भर्ती करवा दिया था उन्हें बस। और कोई कुछ परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हाँ जी। एक डेथ हुई आपकी? हाँ जी, पापा जी की थी। हम कभी कोरोना से? वो तो मुझे पता नहीं है, मगर वे मेरे साथ नहीं थे। हाँ जी, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को लेके गई थी। सब स्वस्थ हैं आप लोग? ठीक है, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। पूछने आया स्वास्थ्य विभाग से कि तबीयत कैसी? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया पूछने के लिए। इसी गली में 10 कदम की दूरी पर वो दूसरा घर है जहाँ एक महिला की मौत इसी दौरान हुई। कोरोना पॉजिटिव थे, रिपोर्ट आ गया था? नहीं, कोरोना की रिपोर्ट नहीं थी। क्या हुआ था उनको? उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है एकदम। ऑक्सीजन लेवल जो घटता चला गया। जिस हॉस्पिटल में जाओ उसमें ना इटर दे, यहाँ तो एडमिट वो नहीं है, क्या नाम हाउसफुल चल रहा है, क्या नाम है, बेड खाली नहीं है। इलाके में अधिकतर जिन घरों में मौतें हुई हैं वहाँ पर ताले भी हमें नज़र आए हैं, यहाँ पर भी हुई है? हाँ, 1-2 मौत हुई है जिसमें, लेकिन यह है कि कुछ अपनी बीमारी में मरे हैं, कुछ हॉस्पिटल जाके भी मरे हैं। अच्छा। हाँ, एक इसरार भाई थे हमारे 42 साल के, उनकी मौत हुई है, हॉस्पिटल से ही आए थे वो भी वापस। क्या हुआ था वो पता चला? उनको ये था, बुखार ही बना था उनको, और फिर 1-2 रोज में वो उनकी डेथ हो गई। क्या ये नॉर्मल है? क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल दिनों में होती है इतनी मौतें एक ही इलाके में? नहीं नहीं, जितनी मौतें हो रही हैं वैसे तो लग रहा है कि इतनी अब से पहले तो कभी नहीं हुई, अब कुछ ज़्यादा लग रहा है। कुछ बीमारी जैसे बताया नहीं, कुछ बीमार तो हैं ही, लेकिन शायद कुछ कोविड-19 का भी असर है। आपको लगता है यहाँ पे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का होना चाहिए व्यवस्था? होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, 0 है। तो क्या कोरोना के तमाम लक्षणों के बावजूद सही समय पर मरीजों की पहचान नहीं हो पा रही? क्या जागरूकता की कमी के कारण लोग लाचार हो रहे हैं? आपके पिताजी की मौत कब हुई? 6 तारीख। हाँ। क्या हुआ था उनको? उन्हें फीवर आया था कुछ टाइम पहले, तो 2-4 दिन फीवर रहा, फीवर तो ठीक हो गया था। उसके बाद मतलब उन्होंने खाना छोड़ दिया, तो हमने ब्लड वगैरह टेस्ट कराए उनके। कहीं किसी डॉक्टर ने कहा कि कोरोना का भी टेस्ट कराइए कि नहीं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। गांव वाले कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर पंचायत चुनाव न होता तो संक्रमण इतनी तेजी से न फैलता। कोविड फैलने का तो पंचायत का चुनाव 100% पंचायत का चुनाव है, क्योंकि दूर दराज के गांवों से जो संपर्क रहा है शहर से, दूर दराज के गांव से, इलेक्शन की वजह से जो लोग गांव में आए हैं वो शहर से गांव में ले गए इस बीमारी को, कोविड को। घर-घर जाना था। चूंकि एक को अगर हो गया तो कैरियर का काम करा उसने, तो जिन्हें कितनों को बांटा है। ये हुआ पड़ोस में 2 गांव है, वो 23 पर डे डेथ हो रही है। वो महामारी जिसने शहरों के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया हो, उसके सामने गांव के अस्पताल और उनकी आधी अधूरी सेवाएं कैसे टिक पाएंगी और कैसे इस महामारी को झेल पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। यही होता है कि अगर मौतों का कोई आधिकारिक उसकी वजह न दी जा सके तो बहुत आसानी हो जाती है सरकारों के लिए ये कहना कि इनका कोरोना से लेना देना नहीं है, पर जब तक जाँच नहीं होगी तब तक कैसे किसी बात को दावे से कहा जा सकता है। इसीलिए कम से कम एहतियात के लिए ही सही, क्या इन सारे इलाकों में वो व्यवस्था नहीं पहुंचनी चाहिए? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, हापुड़।